हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 इज द यूनिट 2 ऑफ द चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। किस तरह से जो वन था और समाज था और कॉलोनियलिज्म था। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल। अगर हम अपने स्कूल के चारों ओर देखते हैं या घर के चारों ओर देखते हैं एंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं वो सभी चीज़ों को दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट, जो जंगलों से आती हैं। द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, वो किताब हैं जो हम यूज करते हैं, जो पढ़ते हैं, और वो डेस्क और टेबल्स, डोर एंड विंडो। डाइज दैट कलर, और वो रंग जो हम कपड़ों में करते हैं, मसाले जो हम भोजनों में यूज करते हैं, सेलफोन रैपर ऑफ द यू कॉफी के रेवर्स, तेंदू लीव जो बीड़ी में यूज की जाती है, तेंदू का पत्ता, गम गौद, हनी, कॉफी, टी एंड रबड़, ये सभी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट। इस तरीके से हमने देखा चॉकलेट में जो तेल यूज होता है विच कम्स फ्रॉम साल सीड से तैयार होता है, एंड द टेनिन चमड़ा जिसको कन्वर्ट स्किन को कन्वर्ट करते हैं, एंड हाइड्स इनटू लेदर, और लेदर में कन्वर्ट करते हैं। जिसमें स्किन और हाइड्स को लेदर में बदला जाता है, और द हर्ब्स और बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो रूट्स यूज मेडिकल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। फॉर फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बू, बैम्बू भी प्रोवाइड करता है फूड फॉर फ्यूल्स और ग्रास, चारकोल्स, पैकेजिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। यानी कि चारकोल्स और अदर इन द अमेजन फॉरेस्ट में और इन द वेस्टर्न घाट में इट वॉज प्रोवर्सिबल टू फाइंड एज मैनी एज 500 डिफरेंट टाइप के स्पेसीज पाई जाती हैं फॉरेस्ट पैच में। और बहुत सारी जो डाइवर्सिटी हमें फॉरेस्ट में दिखती है, हम देखते हैं कि फास्ट डिसअपीयरिंग तेजी से गायब होती जा रही है। बिटवीन 1700 एंड 1995 के बीच में था पीरियड जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, 13.9 के और मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट है, और 9.3 जो परसेंटेज है वो टोटल एरिया का क्लियर किया गया है इंडस्ट्रियल यूज के लिए और कल्टीवेशन के लिए, पास्चर एंड फ्यूल वुड के लिए। वाई डिफॉरेस्टेशन, अब आज हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्यों, आखिर क्यों इतनी जरूरत बढ़ गई कि आज तेजी से पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है और लोगों की जो नीड्स है वो बढ़ती जा रही है। तो लोग तेजी से और अर्बनाइजेशन होने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने से एग्रीकल्चर सेक्टर्स कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब ये तो आज के डेट में, लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिश पीरियड में जो डिफॉरेस्टेशन किया गया होगा, क्या कारण रहे होंगे इस डिफॉरेस्टेशन के। Disappearance of forest air refers to as the deforestation. Deforestation is not a recent problem. एक नई समस्या नहीं है हाल ही की। The process began many centuries ago. कई शताब्दियों पहले से प्रक्रिया चलती आई। Under colonial rule में जब ब्रिटिश ने यहाँ पर रूल किया था, it became more systematic. पर वहाँ पर तब एक systematic तरीके से किया जाता था, extensive way में, और let us look. आइए हम देखते हैं कि वो कारण क्या थे जिससे डिफॉरेस्टेशन किया जाता होगा उस टाइम पे। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड को इम्प्रूव करने के लिए इस 1600 में लगभग अप्रॉक्सिमेटली 1/6 जो थी इंडियन का लैंड मास वाज अंडर द कल्टीवेशंस के अंडर थी। नाउ अब हम ये फिगर को देखें, हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ, लगभग आधा हो चुका है एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती गई है। ओवर द सेंचुरीज तक द डिमांड फॉर फूड, जो भोजन के लिए डिमांड है वो तेजी से बढ़ गई है, एंड द पीजेंस हैं एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज को कल्टीवेशन के लिए एंड क्लियरिंग, जंगल को साफ कर रहे हैं, एंड द ब्रेकिंग न्यू लैंड्स, और नए लैंड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। इन द कॉलोनियल पीरियड में अगर हम देखें, कल्टीवेशन जो था एक्सपेंड बढ़ाया गया था रैपिडली कई सारे कारणों से, जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको बढ़ाया गया था। फर्स्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज
द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स थे, वाणिज्यिक फसलें थी, पहली हमने देखा कि उनको बढ़ाया गया, जैसे कि जूट है, शुगर है, वीट है और कॉटन है। डिमांड जो थी इन फसलों के लिए तेजी से बढ़ने लगी 19th century में। यूरोप वेयर फूड ग्रेन्स वेयर नीडेड, जहाँ पर भोजन की आवश्यकता थी फीड करने के लिए, टू ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन के लिए, एंड रॉ मटेरियल वेयर रिक्वायर्ड, और जहाँ पर रॉ मटेरियल की जरूरत थी इस इंडस्ट्रियल के लिए। प्रोडक्शंस में सेकेंड इन द अर्ली 19th century में जो कॉलोनियल्स थे स्टेट, दो दैट फॉरेस्ट वेयर अनप्रोडक्टिव, बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे वो अनप्रोडक्टिव थे, उत्पादकता नहीं थी उसमें, एंड दे वेर कंसिडर्ड टू बी वाइल्डरनेस के रूप में माने गए, वो जंगली जो वन थे, एंड दे हैड टू बी ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन, उसको कल्टिवेशन के अंदर लाने के लिए, सो दैट जो लैंड जो थी उसको यील्ड किया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एंड रेवेन्यू जो थे और इन्हेंस किया गया, रेवेन्यू बढ़ाया गया जिससे कि स्टेट की इनकम बढ़ी। सो बिटवीन 1880 से 1920 के बीच में जो कल्टीवेटेड एरियाज थे वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर का थे, इतने बढ़ चुके थे। हम हमेशा से ये देखते हैं कि किस तरह से एक्सपेंशन जो था कल्टीवेशन का, वो एक प्रगति का प्रतीक था, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें यह नहीं भूलना चाहिए दैट फॉर लैंड्स के लिए टू बी ब्रॉट अंडर द प्लॉट फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड। कल्टिवेशंस के लिए बहुत सारे जो जंगल थे प्लॉट्स को क्लियर किए गए। बाय द अर्ली, अगर हम सेंचुरी की बात करते हैं 19th century में, तो ओक फॉरेस्ट थे इंग्लैंड में वर तेजी से गायब हो रहे थे ओक फॉरेस्ट, दिस क्रिएटेड ए प्रॉब्लम, तो इससे एक टिम्बर सप्लाई के लिए प्रॉब्लम हो गई फॉर द रॉयल नेवी के लिए, क्योंकि रॉयल नेवी के लिए जहाज बनाने के लिए पानी के बहुत सारी ज्यादा मात्रा में ओक ट्री की जरूरत थी इंग्लैंड में। हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ड, तो इंग्लिश ये शिप थे कैसे बिल्ड हो सकते थे विदाउट द रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल टिम्बर, बिना किसी एक जो मजबूत और टिकाऊ टिम्बर के बिना। हाउ कुड इम्पीरियल पावर, और किस तरह से जो इम्पीरियल पावर थी बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप्स, और बिना शिप्स के कैसे जो इम्पीरियल पावर थी वो मेंटेन हो सकती थी। बाय द 1820 तक जो सर्च पार्टीज थी वेर सेंट टू एक्सप्लोर, उन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भारत में पार्टीज को भेजा। विद इन अ डिकेड्स, कुछ शताब्दी में जो ट्रीज वेर बींग फेल्ड, बहुत सारी मैसिव स्केल्स में यहाँ पेड़ों को काटा गया वास्ट क्वांटिटी में टिम्बर के लिए, और उसको एक्सपोर्ट, भारत से उनको एक्सपोर्ट किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जो ओक ट्रीज थे, वैल्यूएबल जो ट्रीज थे, उनकी जरूरत थी ब्रिटेन में शिप्स बनाने के लिए। तो भारत में जो जांच टीम आई, उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि यहाँ बहुत ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्स में वन है ज्यादा है, इसलिए कुछ ही वर्षों में यहाँ पर सिर्फ पेड़ों को काटने का काम शुरू हो गया और इंग्लैंड में भेजा गया। स्प्रेड ऑफ रेलवे, और इस तरह से जो रेलवे का स्प्रेड हुआ फ्रॉम 1850 से क्रिएटेड न्यू डिमांड, इससे यहाँ नई मांगे हो गई, और रेलवेज वेर इसेंशियल, और जो रेलवेज थे वो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे कॉलोनियल ट्रेड के लिए एंड फॉर द मूवमेंट एंड इम्पीरियल ट्रूप्स के लिए, और इस तरीके से टू रन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव वुड को चलाने के लिए एक नीडेड फ्यूल की आवश्यकता थी, एंड द टू ले रेलवे लाइन्स बिछाने के लिए, स्लीपर्स के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता थी, टू होल्ड द ट्रैक्स बनाने के लिए टुगेदर, और ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक्स रिक्वायर्ड बिटवीन 760 से 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता थी। फ्रॉम 1860s तक में द रेलवे नेटवर्क जो था तेजी से फैल गया, एंड बाई 1890s तक अबाउट 25,500 किलोमीटर ट्रैक्स बिछाए गए। इन 1946 में जो लेंथ थी ट्रैक्स की इंक्रीज ओवर 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ गया। एज द रेलवे ट्रैक स्प्रेड, जैसे ही जो रेलवे ट्रैक्स थे वो बड़े, दो इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ ट्री वेयर फेल, बड़े पैमाने पर जो पेड़ थे वो गिराए गए अर्ली एट 1850 में। इन मद्रास प्रेजिडेंसी में अलोन 35,000 जो पेड़ थे वेयर बींग कट एनुअली,
वो एनुअली स्लीपर्स के लिए काटे गए और गवर्नमेंट गेव आउट कौन और गवर्नमेंट ने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया टू इंडिविजुअल्स को टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी, जिससे कि वो इन रिक्वायर्ड जो जितनी क्वान्टिटी की आ सकती थी उसकी सप्लाई कर सके जो कॉन्ट्रैक्टर थे. और दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन कटिंग इनडिस्क्रिमिनेटली. इनडिस्क्रिमिनेटली ये क्या करने लगे, पेड़ों को काटने लगे फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स, और रेलवे ट्रैक्स के आसपास के जो जंगल थे वो तेजी से कम होने लगे. इस तरह से हम देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में किस तरह से पेड़ों को काट के एक बार लॉक्स बना के इनको पेड़ों के जरिए गाड़ियों में भरा जा रहा है. प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो लार्ज एरियाज थे नेचुरल फॉरेस्ट के, वेर ऑल्सो क्लियर, उनको क्लियर किया गया टू मेक अवे फॉर द टी, चाय बनाने के लिए, कॉफीज के लिए एंड रबर प्लांटेशन के लिए, टू मीट यूरोप ग्रोइंग, जिससे कि यूरोप में जो कॉमोडिटीज हैं उनको जो आवश्यकताएं थी यूरोप में तेजी से वस्तुओं की डिमांड जो थी उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर नेचुरल फॉरेस्ट को काट दिया गया और उन जगहों पर टी कॉफी और रबर प्लांटेशन की खेती की गई, जबकि यूरोप की जो बढ़ती हुई मांगे थी वस्तुओं की उसको पूरा किया जा सके. कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी टू टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरिया, और इस तरह के जो फॉरेस्ट थे और वास्ट एरियाज थे यूरोपियन प्लांटेशन के चीफ रेट्स में दीज एरिया वेर इनक्लोज, ये जो एरियाज थे वो इनक्लोज किए गए फॉरेस्ट के एंड प्लांट विद द टी और कॉफी के साथ. अब अगर हम देखें जो राइस था कॉमर्शियल फॉरेस्टी का जो व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती थी जिनका व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा था, किस तरह से जो व्यापारिक जो वन थे उनको उगाया गया. इन द प्रीवियस सेक्शन में वी हैव सीन, हमने ये देखा तो ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट, ब्रिटिश को फॉरेस्ट की आवश्यकता थी इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स, क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में जहाजों शिप्स को और रेलवे ट्रैक्स बनाने थे. ब्रिटिश वेर वरीड, और ब्रिटिश इस बात से काफ़ी चिंतित थे कि द यूज ऑफ फॉरेस्ट, जो स्थानीय लोगों के द्वारा उस जंगलों का प्रयोग किया जाता है रेकलेसली और उनके द्वारा जो पेड़ों को काटा जाता है बाय द ट्रेडर्स व्यापारियों के द्वारा, उससे क्या होगा जंगल जल्दी नष्ट हो जाएंगे. सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने एक इन्वाइट जर्मन एक्सपर्ट डिटिश ब्रांडिस को एडवाइस के लिए बुलाया और मेड हिम, और उसको भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल बनाया. ये बात याद रखने योग्य है, ब्रैंडिस ने ये रियलाइज किया कि जो प्रॉपर सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए जिससे कि हम मैनेज करें फॉरेस्ट को एंड पीपल हैज टू बी, और इस तरीके से जो पीपल थे उनको ट्रेंड करना जरूरी था इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, कि किस तरह से वो ट्रीज को कंजर्वेशन कर सकते हैं. जिस सिस्टम वो नीड लीगल सेंसन की जरूरत थी, एक कानूनी जामा पहनाने की, रूल्स अबाउट द यूजेज ऑफ फॉरेस्ट, और जो रूल्स थे जिसमें कि हम वनों का यूज कैसे करें, रिसोर्सेस को हैड टू बी फ्रेम्ड किया जाना था, जो फेलिंग ऑफ ट्रीज थे एंड ग्रेजिंग, और इस तरह से जो ग्रेजिंग किया जा रहा था हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व, जिससे कि हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकें टिम्बर प्रोडक्शन के लिए. एनीबडी हु कट ट्री, और जो कोई पेड़ को काटता था विदाउट हॉलिंग सिस्टम्स के उसको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था. सो ब्रैंडिस, और इस तरीके से जो ब्रैंडिस था उसने क्या किया, ब्रैंडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया 1864 में एंड हेल्प्ड फॉर्मुलेट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू कर दिया 1865 में. द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया 1906 में एंड इम्पीरियल फॉरेस्ट आज भी है देहरादून में. द सिस्टम थॉट यर वॉज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इसलिए इस सिस्टम को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता है. मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट, अब बहुत सारे जो लोग थे इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक, ये जो सिस्टम है साइंटिफिक नहीं है. साइंटिफिक फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, नेचुरल फॉरेस्ट जो थे विच हैज ए लॉट ऑफ डिफरेंट, जिसमें बहुत सरकार के डिफरेंट तरह के ट्रीज थे वेर कट डाउन, साइंटिफिक फॉरेस्ट में नेचुरल फॉरेस्ट को उगाया जो विच जो
जिसमें कई प्रकार के ट्रीज को काटा गया था इन देयर प्लेसेस में वन टाइप ऑफ ट्री, एक ही प्रकार के पेड़ों को प्लांट किया गया साइंटिफिक फॉरेस्ट के अंदर, और जो अलग अलग प्रकार के पेड़ थे उनको काट दिया गया, स्टेट्रो में इन्हें लगाया गया, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। इसको प्लांटेशन कहा जाता था। जो फॉरेस्ट है ऑफिशियली सर्वे, उन्होंने ये सर्वे किया जो फॉरेस्ट जो एस्टिमेट द एरियाज थे अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज में एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दे प्लांट हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, उन्होंने ये प्लान किया कि कितने जो प्लांटेशन एरिया है उनको काटा जाना है हर साल। द एरिया कट वॉज देन टू बी रिप्लांटेड किया गया एंड दिस वॉज रेडी टू कट अगेंस्ट इन सम ईयर, और कुछ सालों बाद दोबारा से वो काटने के लिए तैयार रहते थे पेड़। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट, जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट हुआ 1865 में, इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस, दो बार इनको सुधार किया गया, अमेंडमेंट 1878 में और 1927 में। और 1878 में एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इंटू थ्री कैटेगरी, 1878 में जब एक्ट बना तो फॉरेस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, रिजर्व में, फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज में और विलेज फॉरेस्ट में। और जो वेस्ट फॉरेस्ट वेयर थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता था, विलेजेस कुड नॉट टेक, और रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे वन होते थे जिसमें से गांव वाले कुड नॉट टेक एनीथिंग, इन जंगलों से कुछ भी चीज नहीं ले सकते थे, अपने प्रयोग की चीजें भी लेना अलाउड नहीं था इन्हें, जैसे कि हाउस बिल्डिंग, घर बनाने, बिल्डिंग बनाने के लिए, और फ्यूल्स दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, घर बनाने के लिए लकड़ी या जलाने के लिए लकड़ी वो लोग दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से लेते थे वो। हाउ वेयर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, तो इस तरह का नियम बनाने से जो फॉरेस्ट के जो पीपल थे उन पर क्या असर पड़ा होगा। जब डिटिस ब्रैंडिस भारत में फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बन के आया, उसने यहाँ साइंटिफिक फॉरेस्ट्रीज भी स्टार्ट कर दी, एक ही तरह के पेड़ों को रॉ में लगा दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया, और फॉरेस्ट को तीन भागों में बांट दिया, रिजर्व फॉरेस्ट के तहत रिजर्व फॉरेस्ट थे और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे और विलेज फॉरेस्ट थे। विलेज फॉरेस्ट से और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ही वो अपने लिए यूज के लिए लकड़ियाँ ले सकते थे, रिजर्व फॉरेस्ट से उन्हें लकड़ी लेना अलाउड नहीं था। तो इस तरह के रूल्स से जो गांव वाले थे या जो लोग थे उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ा होगा। फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज, जो फॉरेस्टर्स थे और जो गांव वाले थे उनके अलग अलग विचार थे कि व्हाट गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक, जो गुड फॉरेस्ट है कैसे दिखने चाहिए। विलेजर्स वांटेड, तो जो विलेजर्स थे गांव वाले वो चाहते थे कि फॉरेस्ट विद ए मिक्सचर ऑफ स्पीसीज, फॉरेस्ट में कई तरह की स्पीसीज के मिक्सर फॉरेस्ट हों जो इनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, सेटिस्फाई करें। फ्यूल जो था चारे, फ्यूल के लिए, जलाने के लिए फूड और चारे के लिए और पत्तियां, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर एंड वांटेड ट्री, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ऐसे पेड़ों को चाहता था विच वे सुटेबली फॉर बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग के लिए सुटेबल्स हों, शिप्स हों, शिप्स के बनाने के लिए, और यानी कॉमर्शियल टाइप के ट्री को उगाने के फेवर में था। दे नीडेड ट्री, अब उन्हें ऐसे पेड़ों की आवश्यकता थी, दे कुड प्रोवाइड हार्ड वुड, जिससे कि वो हार्ड वुड उन्हें मिले, एंड वे टॉल एंड स्ट्रेट, सो पर्टिकुलर स्पेसीज जो थी टीक एंड साल के लिए वेयर प्रोमोटेड एंड अदर वेयर कट, इसमें ट्री और साल को क्या किया, स्पेसीज को प्रमोट किया गया और बाकी को उन्होंने काट दिया गया। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें वो महुआ, जिसे एल्कोहल बनाई जाती है महुआ के फूलों से, वो कलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं फॉरेस्ट में। विलेजर्स वेक अप बिफोर डॉन एंड गो टू फॉरेस्ट, जल्दी उड़ते हैं और वो फॉरेस्ट से महुआ के फूलों को इकट्ठा करते हैं, और ये जो फूल होते हैं वो प्रीशियस होते हैं। महुआ फ्लावर कैन बी ईटन, इसको खाया जा सकता है और इसे अल्कोहल भी बनती है। द सीड्स कैन बी यूज टू मेक ऑयल, और इनके सीडों से ऑयल भी बनाया जाता है, याद रखिएगा महुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें इन फॉरेस्ट एरियाज में पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लोग क्या करते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज करते थे, रूट लो लीव्स थे, पत्तियां और जो फ्रूट्स थे एंड द रबर, फॉर मैनी थिंग्स के लिए ये चीजें लोग यूज किया करते थे। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर द न्यूट्रिशियस, ये काफी न्यूट्रिशियस थे खाने के लिए, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के टाइम पर बिफोर द हार्वेस्ट, अगर हम हार्वेस्ट से देखें, बिफोर द हार्वेस्ट
यस का मीन हब्स जो थे उनसे हम मेडिसिन बनाया करते थे, लकड़ियां एग्रीकल्चर के लिए इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स बनाए जाते थे जो बैलों के ऊपर रखते हैं, एंड फ्लॉट बेम्बोज मेक एक्सीलेंट फेंसेस, दीवार बनाई जाती थी बेम्बो के ट्री से, एंड ऑल्सो यूज टू मेक द बास्केट, और अम्ब्रेला बनाई जाती थी। ए ड्राइड स्कूप आउट और ग्रूट कैन बी यूज एज अ पोर्टेबल वाटर बोटल, जो पीने वाला पानी है उसको रखने के लिए भी बनाया जाता था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल, लगभग सब कुछ ही तो अवेलेबल था उस फॉरेस्ट में। लीव्स कैन बी स्ट्रेस टुगेदर, और पत्नियों को स्ट्रेस किया जाता था एक साथ, डिस्पोजल प्लेट्स में एंड कप्स एंड सेडाई। क्रीपर्स कैन बी यूज टू मेक, और जो क्रीपर्स होती थी उसको रस्सियां बनाने में यूज किया जाता था, एंड द थॉर्नी बार्क ऑफ द सेमर, सिल्क कॉटन ट्री से यूज टू गैदर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल को इकट्ठा करने के लिए थॉर्नी बार्क से सेमर बनाया जाता था। जो सेमर का पेड़ है वो ग्रेट जो वेजिटेबल्स है ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइट लैम्प्स बनाए जाते थे, कुकिंग का तेल बनाया जाता था, एंड कैन बी प्रेस फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द महुआ ट्री। इसी तरह से द फॉरेस्ट एक्ट मीन सेवरी हार्डशिप आई थी फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री आफ्टर द एक्ट। तो इस एक्ट के बनने के बाद कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, एवरीडे प्रैक्टिस कटिंग वुड फॉर दियर हाउसिंग, हर दिन जब वो पेड़ों को अपने घरों के में यूज करने के लिए काटते थे, और अपने जानवरों को चारा देने के लिए और फलों को इकट्ठा करते थे एंड रूट्स को, और ये हंटिंग भी किया करते थे फिशिंग की। तो लगभग उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल थी हम कह सकते हैं कि जंगलों पर निर्भर थी, दे वेर टोटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बिकम इलीगल। लेकिन ये सारी चीजें अब क्या हो गई थी, इलीगल हो चुकी थी, यहाँ जंगलों से लकड़ियां लेना, फ्रूट्स को लेना, फोडर को लेना या फ्यूल लेना जलाने के लिए लकड़ियां लेना, या मधुमक्खी का शहद लेना, ये सारी चीजें, या अपने जानवरों को वहां चराना, सभी चीज तो इलीगल कर दिए थे। पीपल वेर नाउ फोर्स टू स्टील, अब लोग क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे स्टील वुड, वो जंगलों से लकड़ियों को चोरा करते थे, एंड इफ दे वेर कॉट, यदि वो रंगे हाथों पकड़े जाते थे, दे वेर एट द मर्सी ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, उनको जो फॉरेस्ट गार्ड था, जो जंगल का चौकीदार था, उसकी दया पर रहना पड़ता था वो, और हु वुड टेक ब्राइब, और जो क्या करता था उनसे, अगर मान लो किसी व्यक्ति को पकड़ देता था जंगल से इन प्रोडक्ट को लेते हुए, तो उसको रिश्वत देनी पड़ती थी। एंड वुमेन्स हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वेर स्पेशली वरीड, और जो वुमेन्स फ्यूल वुड को कलेक्ट करती थी स्पेशली वरीड, वो इस बात से चिंतित थी। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर द पुलिस, ये पुलिस के लिए भी कॉमन था कि जो कॉन्स्टेबल्स थे या फॉरेस्ट गार्ड, वो क्या करते थे, पीपल्स को हैरेस करते थे बाई डिमांडिंग फ्री फूड। अगर कोई महिलाएं पकड़ी जाती थी अगर इस तरह के कामों में, तो महिलाओं को रिश्वत के तौर पे खाना बना के लाना पड़ता था, वो डिमांड फ्री फूड फॉर देम, जो फ्री में भोजन की डिमांड किया करती थी। तो हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल अफेक्टेड कल्टीवेशन, किस तरह से जो ये फॉरेस्ट रूल था इसे कल्टीवेशन में इफेक्ट पड़ा होगा। वन ऑफ द जो मेजर इम्पैक्ट था यूरोपियन कॉलोनिज्म का, वो हम देख सकते हैं ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के आने से स्वीडन एग्रीकल्चर थी एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की हम बात करें, प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट ऑफ एशिया, जो कई सारे हिस्सों में होती थी, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। इट हैज मैनी लोकल नेम, इसके कई सारे लोकल नेम भी थे, लेडेंग्स इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में, और चिटमैना और टैवी अफ्रीका में, चेन्ना श्रीलंका में, चेन्ना के नाम से जाने जाती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसमें क्या होता है स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड के पेड़ों को काट के उन्हें जलाया जाता है और उनके एसेस को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडिया में जो धया पेंडा बेवार नबा जूम पोडू कन्नाड एंड द कुमरी, ये कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम है जो इंडिया के अलग अलग स्टेटों में इन नामों से पुकारा जाता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन की अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट है, उसमें फॉरेस्ट को काटा जाता है और बर्न इन रोटेशन, रोटेशन वाइज उनको जलाया जाता है सीड्स, और उसके बाद बीजों को छिड़का जाता है एसेस। फर्स्ट मानसून की बारिश के बाद उसमें राख छिड़की जाती है उन्हीं पेड़ों की, एंड क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड, और अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्रॉप्स को काटा जाता है।
सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड, इस तरह के जो क्रॉप्स हैं वो कल्टिवेट किए जाते हैं फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स में एंड देन लेट्स फेलो, फॉर द 12 to 18 ईयर्स तक उनको खाली छोड़ दिया जाता है एंड फॉरेस्ट टू ग्रो ए बैक, ए मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स जो हैं इज ग्रोन, वो उगाई जाती है ऑन दीज प्लॉट्स में इन सेंट्रल इंडिया में और अफ्रीका कुड भी मिलेट्स, और अफ्रीका में मिलेट्स उगाई जाती है, ब्राज़ील में मेनोक एंड अदर पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका में मक्के और बीन्स उगाए जाते हैं। यूरोपियन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें रिगार्डेस दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल, तो इस तरह की जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहें या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहें या झूमिंग कल्टिवेशन कहें, कई नामों से जाना जाता है, तो ये जो कल्टिवेशन है काफ़ी हार्मफुल मानी जाती है। They felt that land which were used for cultivation, उन्होंने ये महसूस किया कि जो लैंड है which was used for cultivation, जो cultivation के लिए यूज की जाती है हर साल, could not grow tree for railway timbers. तो लगा which was जो cultivations के लिए वो यूज करते cultivation करने के लिए जिन पेड़ों को काटा जाता था, जिन valuable या commercial tree को, ये देखा जाता है कि every few years में could not grow, कुछ सालों में तो ये रेलवे टिम्बर के रूप में यूज नहीं किए जाते होंगे, कि रेलवे टिम्बर्स के लिए बहुत सारी बात में लकड़ियों की आवश्यकता थी। When a forest was burned, जब एक बार जंगल को जलाया जाता था, तो added danger of flames, तो इसकी जो ज्वाला थी, आग की ज्वाला, आग की लपटें जो थी, हो सकता था पूरे जंगल को तबाह कर देती थी, और स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर, और जिससे क्या हो सकता था, बहुत सारे जो वैल्यूएबल टिम्बर थे वो भी जल जाते थे इसमें, और जानवर भी जल जाते, जानवरों के लिए भी खतरा था कि जो जानवर एग्जिस्ट करते थे, जो जंगलों में रहते थे, उनकी भी मौत हो जाती थी, वैल्यूएबल ट्री भी इसमें क्या हो जाते थे, जल जाते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट एक्सेस, देयरफॉर जो गवर्नमेंट थी डिसाइडेड किया उन्होंने बैन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन पर बैन लगा दिया गया। एज ए रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज जो थी, बहुत सारे जो समुदाय थे, फोर्सली डिस्प्लेस, अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए वो, उन्हें निर्वासित किया गया, जंगलों में चले गए वो, फ्रॉम देयर होम इन द फॉरेस्ट, यानी जंगलों से उन्हें, जंगलों में जो उनका घर था वहां से उनको निर्वासित किया गया। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन, इनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपना व्यवसाय भी बदल दिया। वाइल सम रेसिस्टेड लार्ज एंड स्मॉल रिविलियंस, उन लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने बड़े या छोटे पैमाने पर रिविलियन किया, विद्रोह किया। अब अगर हम देखें कि जो हंट कौन कर सकता था, हु कुड हंट, तो जो न्यू फॉरेस्ट लॉ थे चेंज कर दिया ने लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, नए लॉ नए कानून बनने से जो जंगल में रहने वाले निवासी थे उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। बिफोर द फॉरेस्ट लॉ, जंगल के कानून बनने से पहले बहुत सारे जो लोग थे जो जंगलों के नज़दीक रहते थे और एज सर्वाइव, जो हिरन को मार के और पार्टीजीज एंड वेराइटी व स्मॉल एनिमल को मार के सर्वाइव करते थे, दे कस्टमरी प्रैक्टिसेज वर प्रोविडेटेड, उनके जो कस्टमरी प्रैक्टिस उनको प्रोविड रोक दिया गया बाय द फॉरेस्ट लॉ के द्वारा। और दो, जो कोई भी हंटिंग के लिए हंटिंग में शिकार करता हुआ पकड़ा जाता था या उनको पनिश किया जाता था, या जो कोई पोचिंग करता था नहीं जानवरों को, जानवरों की स्किन को अपने यूज के लिए या व्यापार के लिए बेचते हुए पाया जाता था, पोचिंग करता था, या उनकी जो सींग है या उनके दांत है या उनकी स्किन है उसको बेच देना, उनकी स्किन को यूज करना, पोचिंग कहलाता है, यानी छुपकर अवैध व्यापार करना, तो जो कुछ ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता था उसको, वही एक्ट आज भी लागू है। आज भी इंडियन गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लागू किए गए थे, आज भी हम जंगलों से लकड़ियां नहीं ले सकते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, या लकड़ियां नहीं काट सकते हैं, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को नहीं ले सकते हैं, या उन्हें जानवरों को वहां नहीं चरा सकते हैं, हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं आज भी हमने ब्रिटिश लॉ के द्वारा हमने यहाँ पर अडॉप्ट की हुई है। तो हमने देखा वाइल द फॉरेस्ट लॉ जो डिप्राइव पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स, उनको डिप्राइव वंचित किया गया था, जो उनके जो पुश्तैनी अधिकार थे जंगलों पे वो अपना राज समझते थे, हंट कर सकते थे, हंटिंग ऑफ बिग गेम, और जो हंटिंग जो बिग गेम था एक बिगा में स्पोर्ट बन गया था उनके लिए, खेल बड़ा खेल बन गया था इन इंडिया में, हंटिंग ऑफ टाइगर, जो टाइगर की हंटिंग्स थी एंड अदर एनिमल्स थे, हैड बीन पार्ट ऑफ कल्चर था कोर्ट का एंड नोबिलिटी ऑफ सेंचुरी, जो बड़े बड़े शाही वर्ग थे, नौकरी पेशा जो लोग थे सेंचुरी से,
उनकी संस्कृति में था ये, और बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स में भी हम शो करते हैं कि जो प्रिंसेस थे, जो एम्प्रेस थे, इंजॉयिंग करते थे हंट को। बट अंडर कॉलोनियल रूल में, कॉलोनियल रूल के अंडर इस तरह की जो हंटिंग्स थी इंक्रीज, सच एक्शन में वेरियस स्पेसीज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया हंटिंग करने पर, केवल जो ब्रिटिशर्स थे, गवर्नर्स थे, वही हंटिंग कर सकते थे जानवरों की। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।